हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सलार के दूसरे ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर ने हमें एक और झलक दिखाई है प्रभास और श्रुति हसन के इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर का पहला इंप्रेशन विजुअल ग्रैंडवर से जुड़ा हुआ है। सिनेमेटोग्राफी ने हमारे एक्सपेक्टेशन को पार किया है और हमें एक ब्रेथ टेकिंग वर्ल्ड दिखाया है जिसमें एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिल रहा है। साथ ही मेकर से मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि मूवी रिलीज से कुछ दिन पहले ट्रेलर 2 ड्रॉप कर देंगे, मतलब रहने देते ना प्रशांत भैया, थोड़ा सस्पेंस का भौकाल रहता तो ना मजा। खैर कोई बात नहीं, जो कि अब इसके पहले ट्रेलर से कंपेयर करके देखे तो भाई उसके मुकाबले में ट्रेलर 2 काफी अच्छा लग रहा है। और सच कहूँ तो मुझे ये सीन देख के ऐसा फील हुआ कि मेरा खड़ा हो गया। अबे रोंगटे वे, गंदी सोच है तुम्हारी। खैर इन शॉर्ट बताऊं तो खानसार में 3 मिनिस्टर्स अपनी 3 कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपने 3 लोगों वाले जानवर्स के साथ। एंड जब भाई मूवी में वर्धन की गद्दी लेने की बात आती है तो उसका असैसिनेशन प्लान होता है जिसके बीच में देवा AKA सलार उसे रेस्क्यू करने आता है क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त है। काफी टाइम से उनका याराना चला आ रहा होता है और इसके आगे थ्योरीज तो ये भी बन रही थी कि ये दोनों भाई एंड आते आते दुश्मन बन जाएंगे, वो भी काफी गंदे वाले। जहां इस ट्रेलर से अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि पार्ट 1 इन दोनों दोस्तों का साथ होना दिखाया जाएगा एंड फिर इस स्टोरी के एंड आते आते ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। अब देखो यार, इनका मोटिवेशन चाहे जहां से भी आए, चाहे वर्धन का खानसार के बाहर भी जो दुनिया जीतने वाली चाह है जो कि उसने ट्रेलर 1 में ही कह दिया था, जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। मे भी यही बात सलार को ट्रिगर कर दे, लेकिन ये बात तो क्लियर नजर आती है कि सलार खानसार में जब भी गुंडों को मार रहा होता है तो भाई वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं वो उसे किसी मसीहे की तरह देखते हैं कि ये अब हमें बचाएगा, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि वर्धन एंड में राजा बनने के बाद वो कोई अच्छा राजा साबित नहीं होगा। और अब इस ट्रेलर की कुछ ऐसी बातें जो मुझे बचकानी लगी, जैसे ये जो चाइल्ड आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े दानव जैसे लोगों से अकेले ही लड़ रहा है और इतने में भी इनका मन नहीं भरा तो ये सीन दिखा दिए, जिसके बाद मेरे दिल से यही बात निकली, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। कोई बात नहीं, अब जो है सो है। थोड़ी राहत तो तब मिलती है जब इसके वायलेंट एक्शंस देखने मिलते हैं और स्मैशिंग चॉपिंग तो होनी ही थी क्योंकि मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ जो रिलीज हो रही है। खैर इन सब बातों के अलावा मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, कह सकते हो कि वेल प्रेजेंटेड था। मतलब कि खानसार के अंदर की जो भी मजबूरी एंड गरीबी है उसे एक स्टाइल मिलता है। एंड बाकी बात अपने श्रुति हसन की करे तो कहानी में बहुत ज्यादा पार्ट उनका नजर आ नहीं रहा है, थोड़ा सा दिल तो टूटेगा हम फैंस का। आखिरकार एक ही तो ढंग का ग्लैमर था फिल्म में तो उसे तो अच्छे से यूज कर लेते तभी तो मजा आता। मे बी जैसे KGF में वो जो रिपोर्टर कहानी सुन रही होती है ना, वैसा ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि श्रुति हसन का भी वही मामला चल रहा है, जिससे कि मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि श्रुति हसन वो कहानी क्यों सुन रही है, क्योंकि सलार की दुनिया में प्रेजेंट में वो सुन के जान के क्या करेगी, एंड यही बात जानने लायक भी होगी। तो भाई ये थी हमारे सलार के दूसरे ट्रेलर की डिटेल रिव्यू। क्या आप एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।